और अभी सुंदरकांड की पूजा कंप्लीट हो गई है, अभी सबका खाना चल रहा है। ये है हमारे अभिषेक सर, जितने भी आप देख रहे हो, जितने भी वीडियोस फेमस हुए सब यहाँ से बने सर, यहाँ से बने सब वीडियो, यहाँ से बने। तो ये हमारे अभिषेक सर है, और कुणाल के शादी में भी सर ही बनाने वाले हैं। तीसरी शादी, फर्स्ट सेकंड, हर एक चीज चेंज हुई है, बस हमारे सर ही चेंज नहीं हुए। केटर चेंज हुआ है, सब चेंज हुए, बस सर नहीं चेंज हुए हमारे। और ये नायरा के फेवरेट बड़े पप्पा, अरे हर्षु चाचू। हर्षु तू इतना था ना, ऐसे ही मेरे को लेके घूमता था, यही जगह थी, यही हाँ, यही नीचे ही। देखो हार्ट, देखो मेरा भाभियों के बीच में बैठा, तू ले को अकेला नहीं छोड़ रहा है ना, इसलिए हम साथ साथ में घूम रहे हैं। तेरे को दो दो भाभी, और जो भी दूल्हे के साइड में बैठता है ना लड़का, आसपास हो उसका जल्दी से नंबर लगाना रहता है, ऐसा रहता है। तो साइड में कौन बैठा है? हर्षित। उसका डाल दिया मतलब वो बंद ही कर देगा इंस्टाग्राम वगैरह सब। अभी कुछ नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है बस, अभी पढ़ाई लिखाई सारे बड़े बाकी उनकी बात। अच्छा ठीक है, जिसको 10 साल के बाद रुकना है वो रुक सकता है, जो 10 साल के लिए रुक सकता है वही उनको मैसेज करे। ठीक है, ठीक है, कोई मैसेज ना करे मैं ठीक हूँ। उसका प्राइवेट अकाउंट है ना, मतलब जनरल नहीं है। जब भी आपके साथ फोटो डालती हूँ, आप टैग करती हो मुझे, तो मुझे इतने सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं और इतने सारे मैसेजेस आते हैं रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम पे कि मैं क्या बताऊँ। हर्षित प्राइवेट नहीं रखना चाहिए, कमेंट से बताइए पब्लिक करो कि प्राइवेट। कमेंट में बताओ भाई, देखो सब ब्लॉगर ही बनते जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं गाइस, हर्षित ने प्राइवेट रखना चाहिए, पब्लिक रखना चाहिए अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट। खाना अभी आप खा रहे हो ना? बोलने की जरूरत ही नहीं है, शेव बाजी और बाजी के कल से दाल बाटी शुरू होगी ना, तब समझेगा उसे। ओह माय माय माय, आप ही फोटोग्राफर दे, ये ब्लॉग को निकाल दो, नहीं गुडाल प्रिंटर कैमरा पकड़ने की आदत पड़ गई, शादी में लेके जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। चलो भाई भाइयों, क्या बोल रहे हो आप? बोल रहे हो ये बोलना नहीं है, मुझे बोल रहे हो और ये संजोग भैया ने अपनी 17 सीटर भेजी है, हमें सब सामान शिफ्ट करना है अभी हॉल में, तो भैया ने स्पेशली उनकी गाड़ी भेजी है, थैंक यू संजोग भैया। अरे के 11:30 बज रहे और अभी हम फाइनली निकल रहे हॉल के लिए, 12:30 हो रहे, 12:30
12:30 और ये कुणाल की गाड़ी सेपरेट, यहाँ पे 17 सीटर पीछे और 2-3 गाड़ियाँ तो चले गई। कल पे भी चले गए अपन भी बाइक के ऊपर रात का सफर। वो गरम है, वो बेटा बहू गरम है, गरम है। देखो ना मम्मी जाओगे, देखा ना भाई, इधर देखो सच्ची में झड़ गया, झटका लग जाएगा, ठीक है। हम लोग कुणाल भैया का स्वागत करने के लिए रुके हैं। कुणाल आके कॉर्नर पे रुका है, एक्चुअली हमारी तैयारी पूरी हुई नहीं है तो अभी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा उसको वेट करा रहे हैं और उसके बाद फिर उधर सब लोग डांस करने के, उसके आगे उसका इधर और उधर हमारा अंदर हमारा वो लाइट ही नहीं दी, अंदर हमारा भाइयों का डांस रहेगा। अभी और 5-10 था, उधर कुछ सरप्राइज प्लान हो रहा है मेरे लिए और मुझे यहाँ पे रुका दिया 10 मिनट के लिए, देखते हैं क्या है सरप्राइज। मोहन तुझे तो पता है, बता दे। नहीं बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्या होता है देखते हैं। हम कुणाल भैया का वेट कर रहे हैं और कुणाल भैया का स्वागत करने के लिए, कुणाल भैया आ ही नहीं रहे और हमें बहुत नींद आ रही है। मेरे ऊपर तो नहीं गिरे ना, मेरे भाभी को एक हाथ से नींद आ रही, कब से एक आँख से नींद आ रही है, एक आँख से एक आँख मुझे बहुत फटी है। ये आ गया है कुणाल, फाइनली दूल्हा आ रहा है, खुशी उसकी समाई नहीं जा रही है। दूल्हे राजा आ रहे हैं, उनकी स्वागत की तैयारी जोरों शोरों से। दूल्हे राजा खतरनाक सरप्राइज था, बहुत मजा आया। कैसा लगा? बहुत कैसा लगा हाय गाइस, तो आज से सारे मेन फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो फर्स्ट फंक्शन है मेहंदी, तो 7 बज चुके हैं और मेरी मेहंदी वाली आने वाली है 9 बजे। सो नाउ आई हैव टू गो और मेरे को रेडी होना है। तो दीदी हो गए रेडी मेहंदी के लिए, तो अब आप बताना कैसा लग रहा है उसका लुक, चलो देखते हैं हम सब। ओ ये रही दुल्हन, हैशटैग कुन्नुशी। सो ये है मेहंदी का लुक, बताना मैं कैसे दिख रही।
श्रुति, दक्ष, चिकू तीनों मिलके वॉल डेकोरेट कर रहे हैं मेहंदी के लिए और शालू उनको कर रही है गाइड। अच्छे से लगाना और अच्छा दिखना चाहिए ना। ओके गुड। सबके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, मम्मी, मेरे, शालू, श्रुति सभी के। तो आज पापा ने खिचड़ी बनाई है एंड मेरे को कौन खिलाएगा? आज मेरे को मेरा भाई खिलाएगा। अब कल के फंक्शन की तैयारी चल रही है, टेंट लग रहा है। बज चुके हैं रात के 11 और हम सब सोने वाले हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, फंक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, गेस्ट आना कल से स्टार्ट हो जाएंगे। सो आज फंक्शन है गणेश पूजा और माता पूजन। तो अब माता पूजन होने वाला है एंड पहले गणेश पूजन होगा उसके बाद माता पूजन होगा। तो अभी जब पंडित जी आएंगे उसके बाद ही स्टार्ट होगी पूजा। तो अभी पूजा की तैयारी चल रही है एंड बाहर भी मेहमानों का वेट चल रहा है हमारे यहाँ। तो ये रही शिवानी और ये है आज का लुक। मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं जो आज होने वाली है गणेश पूजा। अब हमारे यहाँ पे एक रस्म होती है जिसमें सिंदूरा भरा जाता है, तो अभी वही चल रही है। मम्मी सिंदूर डाल रही है जो फेरों के टाइम यूज होगा। सो अब यहाँ पे खाना स्टार्ट हो चुका है, काफी टाइम हो गया बट ठीक है, होता है फंक्शंस में लेट। तो मम्मी अब खाना खा रही हैं 4 बजे, तो जो कितना लेट हो गए सब खाते खाते। देखो मेरे को बाय बोलने को नहीं है। काली ए काली कालू कालू काली। बस वहाँ रुकी हुई है
आई थिंक कुछ तार वगैरह अड़ रहे हैं ऊपर। फाइनली हमारी बस आ गई है। बहुत मजदूरी माहौल हो रहा है। यहाँ श्रुति सबको गाइड कर रही है कौन सा सामान लेके जाना है कौन सा नहीं। तू सही लेके जा रहे हैं ना? हाँ, एकदम। तू यहाँ की क्या बनी हुई है, मैनेजर? हमेशा। ये गोद भराई हो रही है। श्रुति खुद ही अकेली जा रही है जलगांव। बाय बाय। तो अब हम निकल चुके हैं जलगांव के लिए। बस स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा घर का ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि थोड़ा इमोशनल माहौल था, बट नाउ इट्स ओके। फिर डायरेक्शन सही बता रही ना? यस। बस सब की बातें स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम रुके हुए हैं होटल पे क्योंकि सभी को लग रही थी थोड़ा थोड़ी भूख, बट निकले हुए हमको एक घंटा ही हुआ है, फिर भी हमने ब्रेक लिया हुआ है। और सफर हो गया है शुरू। अब हम लोग निकल गए जलगांव के लिए। काउंटडाउन स्टार्ट। बस कुछ घंटों में जलगांव। फाइनली हम जलगांव आ चुके हैं। 10 मिनट लगेंगे लॉन्च तक जाने में, और 10 मिनट हमको यहाँ रुकने को बोला है। सोच यहाँ आके भी हम रुके हुए हैं। देखते हैं वहीं जाके पता चलेगा।